आज हम इन बॉन्ड्स को जो हमने फेशियल बॉन्ड्स बनाई थी लास्ट टाइम, आज इनके साथ हम बाइंड अप करेंगे। इसके साथ बाइंड अप करने के लिए क्या करो, दो व्यू ले लो, पैनल में जाना, लेआउट टू पैन साइड बाय साइड, एक में तो ऑन रखना फेशियल बोर्ड, फेशियल डैशबोर्ड, और एक में ऑन रखना फ्रंट व्यू या पर्सपेक्टिव व्यू की बॉन्ड्स। जैसे चार बॉन्ड्स है ना, तो यहां पे भी चार बॉन्ड्स होनी चाहिए। तो एक बोन मैं उड़ा देता हूं अभी, या आप क्या करो, अगर पांच है मान लो चार की जगह, तो आप इसका एक कॉपी और ले लो। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, अब आपको इनको इनसे बाइंड कराना है। कैसे बाइंड कराओगे, पहले इसे पकड़ा, फिर इसे पकड़ा, कंस्ट्रेंट डाल देना, पॉइंट कंस्ट्रेंट। और देखो बॉन्ड वहीं पे भाग गई, क्योंकि हमें पॉइंट कंस्ट्रेंट के अंदर मेंटेन ऑफसेट ऑन रखना होगा। अब आप देखोगे ये दोनों चल रहे हैं, समझ आ रहा है, पेरेंट बराबर है, सिंपल पॉइंट कंस्ट्रेंट। अगर ज्यादा जा रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर एक्सप्रेशन यूज करो अगर ज्यादा लग रहा हो आपको, मतलब पॉइंट कंस्ट्रेंट नहीं, क्योंकि क्या दोनों की यूनिट्स मैच होने जरूरी है। या तो इसको छोटा कर दो, आपका जो डैशबोर्ड है ना उसको छोटा कर दो, तब उसके यूनिट्स मैच होंगे। अब देखोगे पहले से और अब के उसके कंस्ट्रेंट में बहुत फर्क आ गया होगा। पहले कितना ऊपर जा रहा था, वहां था, तो यूनिट्स भी मैच होने जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि, या तो आप इसके अंदर लॉक लगा दो कि इससे ऊपर ना जाए, इसके अंदर लॉक लगा दो, नहीं तो एक्सप्रेशन से तो लिमिट लगी जाती है, और छोटा कर दो। यूनिट्स का बहुत फर्क पड़ेगा रिगिंग में, ये याद रखना। तो फिर झंझट होता है ना, आप एक्यूरेट इसके हिसाब से चलना चाहते हो, इसके हिसाब से चलो आराम से, अब आराम से काम करेगा और बहुत इजीली हो जाएगा। इसको इससे पॉइंट कंस्टेंट सिंपल पॉइंट करते हुए जाना, सारे को सिलेक्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ क्लिक करोगे तो सारे होंगे। यहाँ क्लिक करोगे थोड़ा जॉइंट का साइज बड़ा कर लो, जी जी, एक और की नीड है, अब देखो
एक एक उठाना एक उठेगा, सारे उठाने सारे उठेंगे। समझ आ रहा है? जितनी बोन्स है ना उतने आपको कंस्ट्रेंट बनाने हैं। जी प्रेस कर रहा हूं सिंपल। दोनों आईब्रो इकट्ठी उठ रही है। अब हमें ब्लिंक करवाना है। ब्लिंक के लिए हमें वो बनाना पड़ेगा, ब्लेंडिंग मोड्स नॉस का बना लेते हैं। एक नॉस के लिए और ले लो। क्योंकि तीन है ना नॉस के लिए, तो नॉस के लिए एक और ले लो। बीच वाला पॉइंट ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं लगे तो छोटा कर देना आप। पॉइंट कंस्ट्रेंट छोटा करने के बाद करना। और इतना देखो एनिमेटर की मर्जी, वो इतना यूज़ करे इतना यूज़ करे, कई बार बहुत ज़्यादा भी दिखाना पड़ जाता है, तो एनिमेटर उस हिसाब से लिमिट लगा के यूज़ करेगा ना। दस तक जा रहा है तो ज़रूरी थोड़ा ना वो दस तक ही यूज़ करेगा, वो एक तक यूज़ करे। माउथ के लिए ले लेते हैं, हमें ये वाली बोन्स इसकी चाइल्ड बनानी है। समझ आया? जॉ के लिए तो आपको क्या करना होगा, ये सिंक ऊपर नीचे करने पे जॉ कट ऊपर नीचे हो, हाँ, और एक एक बोन भी करनी पड़ेगी ना, इतना इतना हिस्सा अगर लिप्स का हिलाना है। अभी तो सिंक बाइंड करा रहे हैं, उसे आप एक्सप्रेशन से बाइंड करा सकते हो। ये तो एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं एम कंस्ट्रेंट। आप इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, यहाँ पे आएगा एम। एक्सप्रेशन से कराना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इसकी जेड पोजीशन इसकी वाई पोजीशन से बाइंड हो जाए, एम से भी हो जाना चाहिए। तो ड्राइविंग जैसे नहीं करता, दोनों से हो जाएगा। मेंटेन ऑफसेट ऑन रखो, हम क्या करते हैं यहाँ से जाते हैं एक्सप्रेशन एडिटर, इसको नाम इसके वाई को मुझे इसके रोटेशन जेड से बाइंड कराना है। ठीक है,
हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा कराना है। ज़्यादा कराने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इंटू, ज़्यादा हो गया, इतना का तो उस पर लिमिट लगा दो ना, ऊपर ज्यादा ना जाए। चौकट हो गया, समझ आया। अब हमें लिप्स के हिसाब से चाहिए, एक एक लिप्स अलग अलग। से हटा दो, उसका यूज उसी से करा दिया हमने। जितने लिप्स हैं ना उतनी कॉपियां ले लो उसकी। छः छः 12 समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूं। क्या करो वही सेम पॉइंट कंस्ट्रेंट,
लो सेपरेटली भी लिप्स अलग अलग बोन्स में चल सकते हैं, समझ आया? तो यहाँ तक था हमारा फेशियल रिग। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी का, स्किनिंग। मतलब हमने बोन्स लगा दी, अब बोन्स के साथ उसकी बॉडी नहीं चल रही, अब हम बॉडी बाइंड करेंगे, उस टॉपिक को बोलते हैं स्किनिंग। ठीक है, तो इस सेशन में आप फेशियल रिग कंप्लीट कर लो ताकि